नमस्कार दोस्तों, आज किस वीडियो हम देखेंगे। फर्स्टली हमने स्टार्ट करा है मैथ्स का टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों टॉपिक है, इसको हिंदी में बोला जाता है प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत बोला जाता है इसको हिंदी में। हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं ताकि पहले से इसी टॉपिक से स्टार्ट करें ताकि इसके लिंक अप जो सारे टॉपिक्स हैं वो इसी से, अगर आपने ये टॉपिक अगर सीख लिया तो बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके इस परसेंटेज टॉपिक से भी क्लियर हो जाते हैं। तो पहले आप मैं इसको बेसिक समझाता हूँ आपका, ठीक है। बेसिक क्या होता है? बेसिक पहले हम डेलेंगे बेसिक। इसका बेसिक जो होता है वो होता है कि कभी भी आपको अगर परसेंटेज दिया जाए, यानी कि तो आपको मानना है हमेशा 100%, 100%। अगर कहता है कि 10% की वृद्धि तो आप बोलेंगे उसको 110%, 10% की कमी बोलेंगे तो आप बोलेंगे उसको 90%, ठीक है। 24% की कमी बढ़त बोलेंगे तो बोलेंगे 124%, ठीक है। तो यानी 100 में आपको मान के चलना है। पूरा कितना होता है? 100, और इसको मानते हैं अपन एक भी बोला जाता है 100 को, ठीक है, 100% को बोला जाता है एक, ठीक है। तो और इससे ज़्यादा है कि कभी पूछ ले आपसे इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं बेसिक में कि 24/60 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो अपन को हमेशा का लिखना है 24 के बट्टे में हमें का के नीचे गुणा में लगाना कितना प्रतिशत, 100, ठीक है। 10 से 10 6 चौक 24, यानी कि 40% है, ठीक है। और कभी उल्टा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 30% कितना है, ये आप ले लीजिए। तो आप अगर लिखना 90 और हमेशा निकलना है 30 और बटन में लिखना है हमेशा 100। परसेंटेज का मतलब दोस्तों क्या होता है? 100। तो का अपने ने क्रॉस लगाया और ये परसेंटेज का नीचे लिख दिया 100। 10 से 10 कट गया, ये आ गया 27, ठीक है। तो 90 का 30% कितना दोस्तों? 27 है। इस टाइप से क्वेश्चन ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं, इसको अब याद रखते हुए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, देरी ना करते हुए। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, पहला क्वेश्चन है संख्या 24/120 का कितना प्रतिशत है, यानी संख्या 24/120 का कितना प्रतिशत है दोस्तों। 24 ऊपर, 120 का जिस पे लगा है वो नीचे, और गुणा में हमें क्या लगाना है? हमेशा 100। अब दोस्तों 10 से 10 कटा, 24 का 2 में से कटा और ये हो गया दोस्तों 2 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो गया 20%, ठीक है। 20% इसका आंसर हो जाएगा, प्रतिशत पूछा तो प्रतिशत। अब नेक्स्ट है दोस्तों, इस ग्राम और किलोग्राम में कन्वर्जन भी आपको आना चाहिए। हमेशा एक किलोग्राम जो होता है दोस्तों वो कितने ग्राम में बराबर होता है? 1000 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। तो उससे पूछा है कि जैसे 150 ग्राम दोस्तों है वो 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। दोस्तों 150 ग्राम बोला है तो हम पूरी वैल्यू को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, यानी 3 किलोग्राम को भी हम ग्राम में कन्वर्ट कर कितना लिख सकते हैं? 3000 ग्राम, ठीक है। तो वैल्यू हमारी 3000 ग्राम हो जाएगी। तो हम नीचे का जिसमें लगाए वो हमेशा नीचे रहता है और 100 लगा दिया गुणा में क्योंकि प्रतिशत पूछा है। अब 10 से 10 काटी, 15 दूनी 30, 10 से इधर 10 काटी और 2 से काटा, इसको 10 को 5 बार, तो ये हो गया हमारा 5% है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वीडियो अंत तक देखें। आप बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपको मैं करवाऊँगा ताकि आपका सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपना डाउट, वो हम अगली वीडियो में आपका ज़रूर सॉल्व करेंगे। संख्या 120 का 40% कितना होगा दोस्तों? 120 हमने लिखा, का को हमने गुणा में लगाया और परसेंटेज का हमेशा लिखते 100 नीचे, ये हमारा नियम है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है? नियम है। अब हम क्या करेंगे? सिंपली इसको काट देंगे, 12 चौक 48, ये 48 आ गया 120 का 40%, तो कितना होता है? 48 होता है, 48 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संख्या 2000 का। आप हमेशा याद रखिएगा इसमें दो बार ही पूछा सकता है, ठीक है। अब दो बार पूछा जाएगा तो हम क्या लिखेंगे? 2000 लिखा है उसमें का लिखा है मतलब क्रॉस लगाएंगे, इसमें भी का लिखा है क्रॉस लगाएंगे और परसेंटेज 2% है तो नीचे हमेशा लिखा लगा देंगे 200 लगा देंगे, तो जो आपको नीचे दे रखा है इस टाइप से लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम कटिंग शटिंग कर देते हैं, ये 3 जीरो, ये 10, ये 3 जीरो से कट गई और ये 10 से कट गई, 2 24 24 और 2 48, तो इसका आंसर हो गया दोस्तों 48, ठीक है, याद रखिएगा।
भिन्न को प्रतिशत में बदलो। दोस्तों ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपको आगे भी बहुत काम आएंगे, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करें मैंने शुरू से और इसके बाद धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। और प्रतिशत पूछे तो हमेशा आपको 100 से गुणा करना है दोस्तों, याद रखिएगा। कौन सी भिन्न हो आप, 4/5 क्यों ना हो, इसको अगर आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो आपको सिंपली इसका आंसर हो जाएगा 80। आपको सिर्फ 100 से गुणा करना है। 2/5 बोला दोस्तों, 2/5 हमने 100 का मल्टीप्लाई करा तो हमारा आएगा 40%। काटर शिटी करने के बाद 4/5 का अगर परसेंटेज पूछा है प्रतिशत में तो हमारा आ जाएगा 80%, जो कि हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। और अगर हम देखेंगे 3/5 का कितना होगा, तो लिखिए 2 से काटना है, सिंपल कुछ नहीं करना है, देता है 60। कौन सी भी भिन्न हो दोस्तों वो इसकी सॉल्व हो जाएगी। 1/4 बोलेगा तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप, सीधे आपका आ जाएगा 25, ठीक है। तो ये होते हैं भिन्न वाले सवाल जो कि बहुत बार पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 16% अगर 48 है तो वह संख्या क्या है। दोस्तों एक सिंपल ट्रिक हम देखते हैं, किसी संख्या का 16% हम उस संख्या को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। किसी संख्या का 16% अगर 48 है, यानी कि इक्वल टू में क्या आ गया 48, तो हम क्या करते हैं 16 ये परसेंटेज को हटा के नीचे लिखते हैं 100 लिखते हैं, और 16 चौक कितना होता है दोस्तों, 48 होता है। 16 चौक 48 होता है और ये 100 उधर उठ के इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 तिया होता है दोस्तों, 16 तिया 48, 16 तिया 48, ठीक है। तो ये 100 उधर जाएगा तो हो जाएगा हमारा 300, ठीक है। और अगर हम फिर से देखें 16% दोस्तों क्या है, 48 है, तो हमारा 1% कितना होगा, तो 48 के बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों, 16 आ जाएगा, जिससे हमारा क्या आएगा 3। और अगर हम 1% क्या बोलते हैं, 100% निकालने के लिए बोलते हैं, तो 100% क्या होता है, पूरी संख्या क्या होती है 100% होती है, तो उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, तो कितना आ जाएगा हमारा 300 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये ट्रिक भी आप याद रखिएगा, ये ट्रिक से बहुत और लंबी मेथड क्या है दोस्तों, एक्स मान के, ठीक है, ये लंबी मेथड है, ये इससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का पूर्णांक 600 अंक है, यानी कि किसी आपने अगर परीक्षा में परीक्षा दी होगी तो आपका पूर्णांक जरूर देखा होगा, टोटल नंबर ऑफ पेपर्स के जितने भी अंक टोटल मिला के होते हैं वो कहलाता है पूर्णांक, और उसमें से विद्यार्थी उसको अंक आते हैं, विद्यार्थियों के आते हैं उसमें अंक आते हैं। तो अब दोस्तों क्या होता है, 480 आपके अगर आपके अंक आए तो आप परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 480/600 और गुणा में कितना 100, जिससे आगे आपका 80%, ये कटेगा और ये आ जाएगा 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, यदि 450 विद्यार्थी पास हुए तो फेल कितने हुए दोस्तों, ये पूछा है, ठीक है। तो दोस्तों 500 कितने विद्यार्थी हैं, 500 हैं, ठीक है, 500 कितने हैं, 500 विद्यार्थी हैं, ठीक है, 500 विद्यार्थी हैं, उसमें से कितने 450 विद्यार्थी की पास हुए, तो बच्चे कितने फेल होने वाले, 50, ठीक है, पास हुए कितने 450, और तो फेल कितने होंगे दोस्तों, अगर पूरे संख्या में से अगर 450 घटा दें, पास होने की संख्या घटा दें, तो कितने क्या फेल होने की संख्या हमारी आ जाएगी। और उसमें क्या पूछा दोस्तों, फेल होने का प्रतिशत पूछा है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, 50 के अपॉन में 500 रखना है और गुणा में 100 लगाना है, ये इससे आ जाएगा आपका 10, ठीक है। तो 10% विद्यार्थी क्या हुए दोस्तों, फेल हुए हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों धन्यवाद, आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी, हम फिर हाजिर होंगे कल आगे के क्वेश्चन लेके, इसी प्रतिशत से क्वेश्चन लेके बैठेंगे और उसको कवर कराएंगे आपको हाई लेवल तक के क्वेश्चन, ठीक है, जो बैंक में पूछे जाते हैं, ठीक है, और SSC में पूछे जाते हैं, रेलवे में पूछे जाते हैं, NTPC ग्रुप डी ALP में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को हम रिपीट करवाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों धन्यवाद, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें।